रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि सर मेरा इस साल किसी भी गवर्नमेंट अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, अब मैं क्या प्राइवेट से डिग्री ले लूँ, प्राइवेट कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगा कि आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहिए या फिर एक साल तैयारी करनी चाहिए। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए अपने को डिसीजन लेना चाहिए कि भाई एक साल ड्रॉप करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। सबसे पहले कई बार बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर मैं एक साल अगर तैयारी कर लूं तो मेरी एक साल खराब होगी, प्लस एक साल तैयारी करूंगा तो मेरे पैसे और लगेंगे एक साल तैयारी के। तो सबसे पहले पेमेंट पर डिस्कस करेंगे अपन कि एक साल तैयारी करने पर आपको ओवरऑल पैसों में फायदा होगा या नुकसान, उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यह लेके चलूंगा, अलग अलग कंपैरिजन करेंगे अपन हर चीज का। सबसे पहला पॉइंट लेके चलूंगा पेमेंट का, कि पेमेंट का क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। दो मिनट के लिए अपन ये सोच लेते हैं कि यदि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में अभी एट प्रेजेंट एडमिशन लेते हो, इसलिए कि आपका किसी सरकारी में नहीं हुआ, तो आपकी कितनी फीस लगती है? तो 12 महीने की 1,00,000 रुपये लगभग प्राइवेट कॉलेज की फीस रहती है। किसी के कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अपन एवरेज पकड़ेंगे। 4 साल का आपका कोर्स है, 4,00,000 रुपये आपके यहाँ लगेंगे। क्लियर? अब अपन बात करते हैं गवर्नमेंट की। प्राइवेट में 4,00,000 का खर्चा आएगा पढ़ाई के नाम से। गवर्नमेंट की यदि मैं बात करता हूँ, तो क्योंकि आपका इस साल तो हुआ ही नहीं, तो आप एक साल तैयारी करोगे तो यहाँ पर आपके तैयारी करने के लिए दो ऑप्शन है कि या तो आप ऑनलाइन तैयारी कर लो या फिर ऑफलाइन तैयारी कर लो। ऑनलाइन यदि आप तैयारी करते हो और आप ऐसे इंस्टीट्यूट से जुड़ते हो जिन्होंने ऑनलाइन के अंदर सैकड़ों बच्चों का सिलेक्शन कराया हो, वास्तव में अपन खाली कोचिंग करने की बात नहीं करेंगे, अपन ये बात करेंगे कि वास्तव में वहां से कंटिन्यू सिलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कंटिन्यू हो रहे हैं तो अपन भी विचार करेंगे कि इस लाइन में मैं भी आ जाऊंगा। तो अगर आप अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो जो आपको पूरी लाइव क्लासेस देते हो, आपको हर सब्जेक्ट की चर्चा फैकल्टी अवेलेबल कराते हो, अप टू एग्जाम तक अगर आपको सर्विस देते हो, तो उस केस के अंदर लगभग पूरे देश के अंदर अगर अपन एवरेज फीस मान के चलेंगे तो मान के चलो मैक्सिमम अराउंड 10,000 रुपये फीस लगेगी। अब इसी केस को अगर आप ऑफलाइन कहीं पर भी ज्वाइन करते हो तो एवरेज फीस अपन मान के चलेंगे कोचिंग सेंटर की 30,000 से 40,000 रुपये। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी की 30 से कम नहीं है, बहुत सारे लोग कम में भी करा सकते हैं, 40 से ज्यादा भी ले सकते हैं, अपन एक नॉर्मल एवरेज लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, इधर 30-40 हज़ार का खर्चा, इधर 10,000 का खर्चा, यहां पे और एक्स्ट्रा क्या चार्ज लग सकता है? या इंटरनेट चार्ज भी लगेगा। 12 महीने का आप एक बार 5,000 रुपये जोड़ लो तो यहां टोटल बच्चे के खर्चा आया 15,000 का। और यहां पे अगर बच्चा घर से दूर कहीं हॉस्टल में या रूम किराए लेके रहता है तो उस केस में उसके कितना खर्चा आएगा? लगभग आप 50-60 हज़ार रुपये मान के चलो तो इस बच्चे के लगभग 1,00,000 रुपये का खर्चा एक साल तैयारी करने का आएगा, यदि ये कोई भी ऑफलाइन बेच ज्वाइन करता है और घर से दूर रहता है तो। अब अपन देखते हैं कि यदि इनका किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर कहीं एडमिशन हो गया तो इनके वहां कितना चार्ज लगेगा। तो वहां अगर मैं बात करता हूं तो यहां फीस होती है लगभग अच्छी यूनिवर्सिटी की 5,000 से लेके कितनी 20,000 तक एक साल की। तो 4 साल का एवरेज जो खर्चा आएगा आपका, मैं एवरेज बात करूंगा हर जगह, तो यहां आपका खर्चा आएगा वो आएगा 4 साल का 20,000 से लेके कितना आ रहा है 80,000 रुपये। ये तो आएगी कॉलेज की फीस एवरेज, और अभी एक साल तैयारी करेगा उसका आएगा उसका खर्चा लगभग 15,000 से लेके कितना 1,00,000 तक अगर वो रूम लेके रहता है तो ओवरऑल जो खर्चा बैठेगा बच्चे का अगर इस कॉलेज में एडमिशन होता है किसी बच्चे का और 15,000 रुपये उसने ऑनलाइन कोर्स लेता है तो इसका खर्चा बेटा 35,000 रुपये डिग्री सहित, बशर्ते 5,000 जैसे मान लो BHU में सिलेक्शन हो गया तो वहां लमसम इतनी फीस है तो ये इसका 35,000 रुपये। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन का है तो उसके क्योंकि 1,00,000 रुपये यहाँ खर्च हो गया, 20,000 ये 1,20,000, ठीक है 1,20,000 रुपये उसका टोटल खर्चा हो गया, 1,00,000 उसने तैयारी की उसका। अब मान लो ऑफलाइन वाला बच्चा 80,000 वाली में एडमिशन हो गया उसका, तो उसका कितना हो गया 1,00,000 रुपये पहले और इधर, तो 1,80,000 रुपये का उसका खर्चा हो गया। ऑफलाइन बच्चा रहा और उस कॉलेज में एडमिशन हुआ जिसमें 20,000 रुपये साल की फीस थी तो 1,80,000 रुपये। अब अपन देखते हैं फायदा और नुकसान। अगर प्राइवेट में गए तो अपने लगा 4,00,000 का खर्चा एवरेज,
अगर अपन गवर्नमेंट में गए तो ऑनलाइन कोर्स लिया तो पूरी डिग्री का ही खर्चा, तैयारी सहित खर्चा आ रहा है लगभग 35,000 का, अगर कम से कम फीस वाली में शामिल हुए। और ज्यादा फीस वाली में शामिल हो गए गवर्नमेंट अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो वहां आपका खर्चा मैक्सिमम अगर आप रूम लेके रहते हो तो लगभग 1,80,000 रुपए खर्चा हो गया। आई बात समझ में? अब यहाँ अपने को इनपुट क्या मिलेगा, अगर अपन गवर्नमेंट में गए अच्छी यूनिवर्सिटी में गए, मान लो ICR में सिलेक्शन अपना हो रहा है, इस बार रॉयल इंस्टीट्यूट अकेले से 300 से ऊपर बच्चे ICR में जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, लास्ट ईयर 200 से ऊपर बच्चे गए थे। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पे 1,80,000 रुपए वाले केस की, तो यहां पे इनपुट क्या मिल सकता है, ICR में आपको कितने रुपए मिलेंगे, 36,000 रुपए और इंटू 4, तो ये कितने हो गए आपके 1,44,000। 1,44,000 रुपए आपको जो है ये आपको ICR के थ्रू स्कॉलरशिप के थ्रू मिल जाएंगे। तो ये वाला बच्चा है ये तो गया प्लस में, ये तो गया प्लस में, ये वाला बच्चा है इसके लगभग 40-50,000 का एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है, बाकी ये भी बराबर हो गया। इसका मतलब है इधर एक साल तैयारी नहीं करके इसी साल 12th के साथ में किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो 4,00,000 का बजट लगना है, और एक साल तैयारी करने के बाद में इधर आप देखोगे इन दोनों में कंपेयर करोगे तो यहां तो प्लस में ही जा रहा है बच्चा, यहां तो प्लस में ही जा रहा है और यहां 40-50,000 रुपए का नेट खर्चा पड़ रहा है। इसका मतलब है कि पेमेंट वाइज तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि अगर आप 2022 में एडमिशन लेते हो तो 2026 में आपके हाथ में डिग्री होगी, और अगर आप 2023 में एडमिशन लोगे तो 2027 में आपके हाथ में डिग्री होगी। अब कि सर एक साल पहले और एक साल लेट, तो हम तो कई बच्चों से पीछे हो जाएंगे, वो देख लेते हैं पीछे हो गए या आगे हो गए, चेक कर लेते हैं। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हो, यदि आप टॉप यूनिवर्सिटी में जाते हो, मान लो देश की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आप चले गए, IRI चले गए, पंत नगर उत्तराखंड चले गए, अच्छी यूनिवर्सिटी में गए, तो वहां आपको नंबर वन एक नंबर स्टाफ मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टाफ मिलेगा। मैं इसके जरिए ये नहीं कहना चाहता कि प्राइवेट के अंदर कोई स्टाफ होता ही नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर आप बात करो IIT की, अगर बात करो मेडिकल कॉलेज की, कोई सा भी प्रोफेशनल कोर्स है, तो कहीं ना कहीं जो जो आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है वहां पे ज्यादा बेटर फैसिलिटी है, वहां हर कोई जाना चाहता है क्योंकि वहां पे फैसिलिटीज है, इसीलिए यहां पे आपको एक नंबर स्टाफ मिलेगा। कहां पे? टॉप यूनिवर्सिटीज में। स्टाफ के बाद में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, हर तरीके का कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो ग्राउंड से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइब्रेरी से रिलेटेड हो। इसके अलावा नंबर 3 प्रैक्टिकल के लिए जो लैब की व्यवस्था है, जो इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए प्रैक्टिकल करने के लिए, जो ग्राउंड आपको चाहिए प्रैक्टिकल करने के लिए, वो अच्छी यूनिवर्सिटीज में आपको अवेलेबल मिलेगा। नंबर 4 आपको प्रेजेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है, सॉरी गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज है वहां पे बच्चे को रहना पड़ता है क्योंकि हर चीज वहां सिखाई जाती है। तो ये 4 काम जो है वो टॉप यूनिवर्सिटीज में स्पेशल होते हैं, इसीलिए लोग यहां पे जाते हैं। तो जब बच्चा 2026 और 2027 का डिग्री लेके निकलता है तो इसके पास केवल डिग्री होती है, जनरली नॉलेज एज कंपैरिजन इस स्टूडेंट के कम होता है क्योंकि इस बच्चे को यह फैसिलिटी ज्यादा मिलती है, तो ज्यादा मिलती है तो उसके पास नॉलेज भी ज्यादा होता है, और ऑलरेडी ये बच्चा मेहनत करके जाता है तो वहां का माहौल जो है वो तगड़ा रहता है, पॉजिटिव माहौल रहता है। हर एक बच्चे के यहां सपने होते हैं कि मुझे आगे जाके क्या करना है, तो चारों तरफ का उसका माहौल इसी तरीके का रहता है कि कोई ना कोई बच्चा, कोई तो बोलता है कि मुझे तो जो है अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है, कोई बोलता है मुझे तो साइंटिस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए मैं JRF करके अच्छी यूनिवर्सिटी से MSc करूंगा, फिर PhD करूंगा, उसके बाद में मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, कोई कहता है मैं तो AO बनूंगा। मतलब बच्चे यहां डाइवर्ट होते हैं अलग अलग टारगेट को लेके, लेकिन हर बच्चा कुछ ना कुछ टारगेट लेके चलता है। इधर वाले बच्चे इतने एनर्जेटिक, इतने पॉजिटिव नहीं रहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये बच्चे 12 महीने पहले डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन नॉलेज के अभाव में कंपटीशन का दौर जब आता है, नौकरी वाला जब दौर आता है, तो ये बच्चे कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। कई बच्चे ये बोलते हैं मैं प्राइवेट से अगर डिग्री कर लेता हूं सर तो क्या मान्यता को लेके कोई चक्कर पड़ेगा? तो बिल्कुल, कई ऐसी यूनिवर्सिटीज है, कई ऐसी कॉलेज है जिनको ICR जो है अपने यहाँ JRF के एग्जाम में शामिल नहीं करता, कई ऐसी कॉलेज है जिनको स्टेट लेवल पर भी कई जगह कंसिडर नहीं किया जाता और कई जगह किया जाता है, तो वो इश्यूज तो रहता है। लेकिन एक बार अपन तो यूं समझ लेते हैं कि मान लो डिग्री वैलिड है तो भी डिग्री लेके करोगे क्या? आपके पास अगर
कंपटीशन के हिसाब से आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप उस डिग्री का क्या करोगे। इसलिए मेरा तो यूं मानना है कि पेमेंट बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। एक साल तैयारी करते हो और आईसीआर में बढ़िया जगह हो जाता है तो लमसम आपका पेमेंट, आपकी डिग्री एक तरीके से फ्री होती है। और प्राइवेट में जाओगे 4-5 लाख के नीचे तो आओगे आओगे, बाद में कंपटीशन के दौर में आप फंस जाओगे कहीं ना कहीं। आप देखो हमारा जैसे इस बार किशन बाखर ने टॉप किया, उस बच्चे के लास्ट ईयर 192 मार्क्स थे, आई बात समझ में, 192 नंबर थे अराउंड। उस बच्चे ने किसी कॉलेज में प्राइवेट में एडमिशन नहीं लेके एक साल तैयारी करने का डिसीजन लिया, अभी उसके 415 नंबर के साथ में पूरे राजस्थान में बच्चा टॉप कर गया। आईसीआर के अंदर 99.86 परसेंटाइल आए, मतलब वो बच्चा आईआरआई जाएगा। ऐसे ही में हमारे 100 परसेंटाइल आए बच्चे के, एक बच्ची सोनिका के, उसका भी लास्ट ईयर नहीं हुआ था, एक साल तैयारी की, 100 परसेंटाइल आ गए, पूरे देश के अंदर फर्स्ट रैंक लेके आ गई। अब अगर प्राइवेट में जाना चाहती तो लास्ट ईयर ही चली जाती, लेकिन नहीं गई, और उसके तो जेईटी में बहुत अच्छे नंबर भी नहीं आए, फिर भी वो ऑल इंडिया टॉप कर गई। तो मैं यूं कहना चाहता हूं, ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं, सैकड़ों एग्जाम्पल है मेरे पास, जिन बच्चों के बहुत कम नंबर फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया तब आए, और अभी एक साल तैयारी करके बच्चे आपका आईआरआई, बीएचयू, इसके अलावा पीएयू, एचएयू, जीबीपीएटी, इन यूनिवर्सिटीज में बच्चे लाइन में लगे हैं और इनमें सेलेक्ट होके जा रहे हैं, और लास्ट ईयर सैकड़ों बच्चे सेलेक्ट होके गए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, यदि आप मेहनती हो और कंटिन्यू मेहनत कर सकते हो तो आपको एक साल ढंग से तैयारी करनी चाहिए, अदरवाइज हर कहीं से डिग्री लेने से आपको कहीं ना कहीं इन फ्यूचर नुकसान होगा। तो आप इस बात को अच्छे से समझे और एक बार मेहनत करने वालों में आप शामिल हो। आपका संस्थान लगातार ऑनलाइन और ऑफलाइन फैसिलिटीज दे रहे हैं, ऑनलाइन के अंदर हम क्लासरूम लाइव दे रहे हैं, आप देखो रिजल्ट के अंदर जेट फर्स्ट रैंक, आईसीआर फर्स्ट रैंक, सीयूटी 100 परसेंटाइल, कृषि प्रेक्षक फर्स्ट रैंक, लास्ट ईयर जेईटी फर्स्ट रैंक, टॉप 10 के अंदर दो बच्चे अलग अलग लास्ट ईयर आईसीआर में रहे, इस बार आईसीआर में एबीसी ग्रुप से फर्स्ट रैंक। तो कुल मिला के सैकड़ों बच्चों के सिलेक्शन के साथ में टॉपर्स की जननी भी आपका ये रॉयल इंस्टीट्यूट बन चुका है। बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। यदि कोई बच्चा हमारे साथ संघर्ष करना चाहता है तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप एक साल हमें दें, हम आपके सपने साकार करने में हमारी तरफ से जी जान लगा के मेहनत करेंगे, और आप हमें साथ दोगे तो आपका सपना डेफिनेटली साकार होगा। आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको और नई इंफॉर्मेटिव वीडियोज हम कंटिन्यू देते रहेंगे। इसके अलावा हमारी जो क्लासेज है वो भी आपको मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारा ऐप भी जरूर डाउनलोड करें, जहां से आप ऑनलाइन डेमो क्लासेज लेके देख सकते हैं। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।